हेलो फ्रेंड, एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता है। बिहार प्रखंड पंचायत स्तर नई बहाली, जिला समन्वयक, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, पंचायत समन्वयक का ये पद बहाली है इसमें, और सारे अपडेट मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं आज के इस वीडियो में। बुध परियोजना के तहत विभिन्न पदों के लिए नई रिक्तियाँ की घोषणा की गई है। वाटर एड गया और मधुबनी, प्रत्येक 20 ग्राम पंचायतों में समुदाय और संस्था के नेतृत्व में वाटर सेनिटेशन एंड हाइजीन वांस सेवाओं तथा अस्थाई और पहुंच के माध्यम से सीमांत समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए परियोजना बुध को लागू कर रहा है। महाकांक्षी परियोजना के लागू करने के लिए वाटर एड इंडिया निम्नलिखित पदों के लिए प्रतिबद्ध पेशेवरों के आवेदन की गई है। यहाँ पे मांगा गया है पद का नाम परियोजना प्रबंधक, रिक्तों की संख्या 1 है, वित्त और व्यवस्थापक सहायक रिक्तों की संख्या 1 है, MIS और प्रलेखक सहायक 1 है, तकनीकी विशेषज्ञ वासा इंफ्रास्ट्रक्चर 1 है, और जिला मतलब ये राज्य स्तरीय पद हो गया। और आपको जिला स्तरीय पद में क्या क्या है यह भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये राज्य स्तरीय पद को आप देख चुके हैं, संस्थान पटना, और उसके बाद अब आप लोगों को ले चलूँगा मैं जिला स्तरीय पद में। जिला समन्वयक का 2 पद है, जो कि ये गया मधुबनी के लिए, गया एवं मधुबनी के लिए है। उसके बाद और भी अधिक पद है, जैसे कि ब्लॉक समन्वयक है उसका 10 पद है, और ये गया और मधुबनी के लिए है, गया और मधुबनी के लिए हैं, तो आप इसे ज़रूर देखेंगे। और उसके बाद बताया जा रहा है इसमें 10 पद है गया मधुबनी के लिए। पंचायत क्षेत्र स्तरीय पद जो है वो सामुदायिक सुविधाकर्ता का है, जिसमें आपको 20 पद है, जिसमें आपको 20 पद है सामुदायिक सुविधाकर्ता का, और यह भी पद आपको गया एवं मधुबनी के लिए हैं, जो कि काफ़ी अपडेट के तौर पे इसे दिया जा रहा है। तो आवेदन कैसे करें, अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए कृपया 8 वेबसाइट www.sids.co.in पर जाएं, और यह अप्लाई आप लोग आवेदन करना शुरू कर दें, जो कि यह आपके लिए बड़ी अपडेट की बात है। ये वैकेंसी आपको सारे अपडेट में दिखाया जा रहा है। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ कि आप तक जो भी वैकेंसी आता है उसकी रियल और सही जानकारी देना चाहिए। तो यहाँ अभी आप देख रहे हैं वेबसाइट खुल चुका है, और वेबसाइट को अपडेट दे दिया गया है, और आवेदन करने के लिए आप इसे इस वेबसाइट पे न्यू जॉब की जो बहाली निकली हुई है इसको आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या आपको एबिलिटी चाहिए, आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या प्रक्रिया चाहिए, इस तरह से आप कैसे आवेदन कीजिएगा, यह भी आप लोग देख लीजिए। मैं हमेशा रहता हूँ तैयार, और कोई भी जानकारी आप तक आता है तो मैं देने के लिए रहता हूँ पूरा डिटेल में आप लोग को तैयार। तो यहाँ पे आप लोग को देख रहे हैं प्रोजेक्ट का जो अपडेट है पटना गया मधुबनी के लिए, यहाँ पे क्लिक टू हियर डिटेल, इस डिटेल पे क्लिक करके आप जान सकते हैं सारे प्रोसेस को। तो यहाँ देखिए अब ये आ चुका है, यहाँ पर जॉब डिटेल आ चुके हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, फाइनेंस एंड एडमिन असिस्टेंट, उसके बाद टेक्निकल स्पेशलिस्ट आपको यहाँ पे आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर 2 है, उसके बाद ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का आपको 10 है गया मधुबनी के लिए, कम्युनिटी फाइनेंस कर्ता का आपको यहाँ पे 20 पद है जो गया और मधुबनी के लिए हैं। तो किस तरह से कैसे आप लोग उस चीज़ को भी देख चुके हैं डिटेल, और क्वालिफिकेशन क्या है इसमें यह भी आप लोग देखने को मिलेगा आप सभी को। अप्लाई जैसे किस तरह से करना है यह भी आप लोग को देखने को मिल रहा है, जॉब का डिटेल भी आप लोग पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं, और आपको इसमें काफ़ी बड़ी सुविधा भी आप लोग को दिया गया है। एजुकेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आप लोग को होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस आपको 7 से 12 वर्ष का होना चाहिए, जो कि आप 7 वर्ष या देख लिया जाए इसमें क्या कहता है आप लोगों के लिए, काफ़ी बेहतरीन अपडेट हैं जो कि सही मायने में इस वैकेंसी को निकाली गई है। अब जो भी वैकेंसियां आता है वह टेंडर लेवल पे भी किया गया है। तो लोकेशन के अंतर्गत गया है वो मधुबनी बिहार में है, पोस्टिंग आपको फुल टाइम है,
फोर प्लस टू के लिए अंतर्गत यहाँ पे सारा अपडेट किया जाएगा। तो जो भी अपडेट प्रक्रिया आता है मैं आप तक पहुँचाने में समर्थ रहता हूँ, ताकि आपको सही जानकारी मिल जाए। पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे वर्किंग होना चाहिए आपके लिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 पीपल के साथ, कम्युनिटी मैनेजर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। तो जो भी सारी अपडेट सारी प्रक्रिया है मैं आप तक सही जानकारी लेके आया हूँ। अगर आपने इसे देख चुके हैं तो फिलहाल मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। अगली वीडियो मिलूँगा, तब तक ले जय हिंद जय भारत।